टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग वेटलिफ्टिंग में रजत पदक हासिल किया। मीराबाई चानू स्वदेश लौट चुकी हैं। स्वदेश लौटने के साथ ही उनका और उनके कोच का स्वागत हुआ। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। विजय शर्मा को लोगों ने सम्मानित किया। इस मौके पर मीराबाई चानू के कोच ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 21 साल बाद भारत को ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा इस पदक के आने से जो आने हमारे खिलाड़ी उनको प्रोत्साहन मिलेगा और अगले ओलंपिक में हम इससे ज़्यादा पदक जीत पाएंगे। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, लगभग 150 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हमारे देश में पदक कम क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में खेल के संस्कार नहीं है। हमारे देश के खिलाड़ी बहुत कम है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं है, क्वांटिटी पॉपुलेशन। तो हमें हमारे बच्चों को स्कूल लेवल से प्रेरित करना पड़ेगा खेल करने का, जो सबसे ज़रूरी है। सर, सबसे मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि पहले जो खिलाड़ी होते थे वो बड़े शहरों से होते थे, लेकिन आज की डेट में गांव देहात क्षेत्र से खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, पहले से ही खिलाड़ी गांव देहात से निकलते थे। शहरों के बच्चे ना पहले गेम करते थे। हाँ, उनके लिए अलग गेम है, जो महंगे गेम हैं वो उनके लिए बैडमिंटन, लॉन टेनिस, ये महंगे खेल हैं, गोल्फ, ये उनके लिए। जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए कुश्ती है, वेटलिफ्टिंग है, जो मेहनत का खेल है वो हमारे गांव के क्षेत्र में है। अच्छा, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कि स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि लगन से तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, डिसिप्लिन में रहें। आप डिसिप्लिन से और लगन से कुछ भी अचीव करें। देश को गोल्ड कप दिलवा रहे हैं आप वेटलिफ्टिंग में। मैं आशा करता हूँ, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो अगले ओलंपिक में एक गोल्ड हम जरूर लेकर आएंगे और अपनी जो मेडल डाली है इसको और बढ़ाएंगे। विजय शर्मा ने कहा, लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस सम्मान के लिए। ऐसे ही मेडल लेकर आए और देश का नाम आगे बढ़ाएं। नवोदय टाइम्स के लिए गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट।